जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और उपाय में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा बहुत ही खास पूर्णिमा में से एक है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा होने की वजह से इस दिन रात के समय खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है और सुबह के समय उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि रात में रखी गई जो खीर होती है उसमें अमृत के गुण आ जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हम कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। ऐसे में मैं आपके लिए आज एक बहुत ही कारगर उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि है फिटकरी का उपाय। फिटकरी का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए सफ़ेद रंग क्योंकि चंद्रमा को बहुत प्रिय होता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों से किए गए उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी उपाय मैं बताने वाली हूँ फिटकरी के, बहुत ही आसान उपाय हैं। फिटकरी हम सभी के घरों में मिल जाती है, अगर नहीं है तो आप किसी भी दुकान से जहाँ पर आपको घर का सामान मिलता है वहाँ से आप फिटकरी खरीद सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और इन उपायों को ज़रूर करिएगा। सबसे पहला उपाय ध्यान से सुन लीजिए। इसमें करना यह है दोस्तों कि आपको एक बाल्टी पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल देनी है, और इस बाल्टी के पानी को आपको शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे रख देना है। फिर सुबह इस पानी से स्नान करें। ऐसा करने से अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आपको उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे उपाय के अनुसार, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है काफ़ी समय से, कोशिश करने पर भी वो पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हुआ हो, तो आपको करना ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन फिटकरी के पाउडर को एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर उसको अपने सीधे हाथ की बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपके कोई भी रुका हुआ जो काम होगा वो पूरा हो जाएगा। तीसरा उपाय इस प्रकार है, अगर आपके पास धन की कमी रहती है तो एक छोटा सा उपाय है वो ज़रूर करिएगा। इसमें आपको करना ये है कि आप फिटकरी के एक छोटे से टुकड़े को सफ़ेद कपड़े में बांध लें और उसे अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। चौथे उपाय के अनुसार दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है और बहुत उपाय, बहुत इलाज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको करना ये है कि जिस कमरे में वो बीमार रहते हैं या जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है वो जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे में आप एक कटोरे में फिटकरी भरकर रख दें, साथ ही दूसरी कटोरी में नमक रखें। ऐसा करने से जो मरीज है उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और वो बहुत ही जल्दी उनकी हालत में सुधार होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही सरल से उपाय जो कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन करने हैं। ये सारी समस्याएं अगर आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।